इनका कस्टमर सर्विस एकदम ख़राब है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड आप लोग पैकेज देख सकते हैं। सो यही वो पैकेज है जो मुझे, आपने अगर मेरा 3 महीने पहले का एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने MSK ने जो हेडफोन्स दिखाया था वो मैंने ख़रीदा था, एंड मैंने उसका रिव्यू किया था। उस पर भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, एंड मेरा वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने वो हेडफोन्स ख़रीदा भी है। वो क्या हुआ कि 3 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, एंड कुछ दिन पहले अराउंड 25th या 28th अगस्त के अराउंड मेरा हेडफोन का एक साइड का जो पीस, हेयर पीस था, वो ख़राब हो गया था। सो मुझे प्रोसेस के बारे में पता नहीं था कि रिप्लेस कैसे करेंगे, बट वारंटी में थी। तो मैंने क्या किया कि मैं गो के साइट पे गया, गो के साइट पे मैंने चेक किया कि उनका कॉन्टैक्ट का कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन मैंने देखा, एंड देन मैं उसे वहाँ से एक ईमेल एड्रेस मिला। मैंने वो ईमेल एड्रेस पे उनको ईमेल किया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, एंड मैंने जो हेडफोन्स लिया था वो हेडफोन्स ख़राब हो गया है, अब मैं उसको रिप्लेस कैसे करूँ, या फिर ये वारंटी में, तो आप लोग मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो। देन मैंने क्या एक और काम किया कि मैंने क्या किया कि मैंने उनको इंस्टाग्राम पे भी पिंक किया, एंड देन DM किया, बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया जो कि सेम एड्रेस था जो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एंड वहाँ से मैंने उनको ईमेल किया। आप लोग ईमेल, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे स्क्रॉल डाल दूँ मैंने जो उनसे ईमेल की इंटरेक्शन की। सो उन्होंने मुझे अराउंड 29th अगस्त रिप्लाई किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग, आप अपने प्रोडक्ट का इमेज, आपका जो इनवॉइस आपने जहाँ से ख़रीदा है वो, और आपके हेडफोन्स का फोटोज़ हमें ईमेल कर दीजिए, हम लोग चेक करके बताएंगे कि आपके वारंटी में है, एंड आपको वारंटी रिप्लेस हो जाएगा, उसका प्रोसेस भी हम लोग आपको बताएंगे। जैसे वो मैंने सेंड किया, उनका मुझे थोड़ी देर बाद वापस रिप्लाई आया कि आपका प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में है, आप एक काम करिए। उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जाइए आप कुरियर कर दीजिए, एंड जैसे हमको कुरियर रिसीव होगा हम लोग इसको चेक करेंगे, एंड देन आपको रिप्लेस कर देंगे। बट अब प्रॉब्लम वहाँ पर आई कि मुझे लगा कि इनका कस्टमर सर्विस एकदम ख़राब है। मतलब क्या है कि ईमेल पे बात कर रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैंने कुरियर कर दिया, उसके अराउंड 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मेरा पैकेज पहुंच गया, बट उसके बाद से मुझे वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैं 4 सितंबर को मैंने फॉलोअप किया कि मेरा पैकेज तुम्हें मिला है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पैकेज हमें नहीं मिला है, ईमेल रिप्लाई आया, वही स्टैंडर्ड रिप्लाई जो आया। वापस मैंने 6 सितंबर को ट्राई किया, 8 सितंबर को ट्राई किया, 10 सितंबर को ट्राई किया, तब जाके उन्होंने मुझे मतलब रिप्लाई देते ही गए कि वही हमें वेयरहाउस में नहीं मिला। तब मैंने उनको बताया कि तुमको मेरा पैकेज अराउंड 2nd सितंबर को डिलीवर हो गया है। मैंने उनको डिलीवरी का जो स्क्रीनशॉट था वो भी भेज दिया है, क्योंकि मैंने को जो कुरियर से भेजा था उसके ट्रैकिंग साइट से निकाल लिया था। आप लोग भी ये चीज़ करिएगा। एंड देन मैंने उनको भेजा कि डिलीवर हो गया, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो। देन मेरा पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, बिकॉज 2nd से लेकर 10th तक उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन बताया नहीं था कि उनको मेरा प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला है। फिर जाके मैंने क्या किया, मैंने और थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया, एंड देन मुझे नॉइस का कॉन्टैक्ट सेंटर नंबर मिला। मैंने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया, मैंने जैसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया उनके पास मेरा रजिस्टर्ड नंबर था, उन्होंने चेक किया। वहाँ के एजेंट ने मुझे ये चीज़ बताया कि सर आपका पैकेज हमें कब का मिल गया है, एंड हम उसे चेक कर रहे हैं, एज़ आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था तो हमें 2 एक्स्ट्रा दिन चाहिए इसको चेक करने के लिए और सब चीज़ वेरीफाई करने के लिए। तो 7 दिन के अंदर ये पूरा वेरीफाई हो जाता है, एंड देन वेरीफाई होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको 15 मिनट्स के अंदर एक ईमेल आ जाएगा जहाँ पे आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर नंबर सब कुछ लिखा होगा, एंड आपको पैकेज डिलीवर हो जाएगा और आपका रिप्लेसमेंट जो है वो हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे। तो मेरा ये कहना था कि मैंने उसे कस्टमर एजेंट से यही कहा कि आप लोग ईमेल पे मुझे स्टैंडर्ड रिप्लाई दे रहे हो, और जैसे मैंने फ़ोन किया आप लोग ने मुझे बता दिया कि हाँ सर आपका जो पैकेज है वो हमें मिल गया है, एंड वो पैकेज हम आपको सेंड करने वाले बिकॉज हमने चेक कर लिया। आप मुझे अगर ईमेल पे अपडेट कर देते कि हाँ मुझे आपका पैकेज मिल गया तो मैं टेंशन में नहीं होता, राइट। 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 8 दिन तक मैं ये टेंशन में था कि पैकेज किसको मिला है, कहाँ पे डिलीवर हुआ है। तो ये चीज़ नॉइस को ध्यान में रखनी होगी कि ईमेल जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कस्टमर के पास टाइम नहीं होता फ़ोन करे, वो ईमेल करके छोड़ देता है कि रिप्लाई आएगा, वो आराम से देख लेगा। तो अगर आप लोग ईमेल अच्छे से करोगे तो बेस्ट होगा कि ईमेल पे आप लोग अपडेट अच्छे से दीजिए, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग के लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने अगर ये हेडफोन खरीदा है, आपका भी अगर ख़राब हो गया वारंटी में, तो रिप्लेस कैसे मिलेगा। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाइए वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये प्रोसेस फॉलो करिए कि पहले उनको ईमेल करिए, उनका ईमेल कम्युनिकेशन जब रिटर्न आएगा तो उनको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, एंड देन वो लोग आपको बताएंगे कि आपका रिप्लेसमेंट में है, आपको एड्रेस देंगे, एंड एड्रेस पे आप लोग आराम से भेज दीजिए, एंड पहले जब डिलीवर होगा उसके नेक्स्ट दिन ही आप लोग कॉल कर लीजिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता नॉइस अभी भी ईमेल एड्रेस जो दे रहा है उसके ऊपर जो रिस्पांस टीम है वो प्रॉपरली अपडेट लेती है वेयरहाउस से जहाँ पे पैकेज डिलीवर होता है। तो ये मुझे वापस रिप्लेसमेंट पैकेज आ गया, आप लोग देख सकते हो, नॉइस ने ही मुझे भेजा है, ये नॉइस ने ही भेजा है। मैंने अमेजोन से खरीदा था, वो आपने देखा था मेरे लास्ट वीडियो में, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना वो वीडियो। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं अब जो मुझे मिला है वो सही पैकेज है या नहीं है।
ये वो हेडफोन्स है जो लास्ट टाइम भी मैंने ऑर्डर किया था एंड मुझे वापस रिप्लेसमेंट मिल गया है। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जो आपका जो ऑर्डर आईडी था अमेजोन से या होगा, उसके आगे ये सेम ऑर्डर आईडी डालता है, उसके आगे हाइफन आर करके डाल देंगे, इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट का था। तो यही मुझे मिला है, इसके ऊपर सेम पैकेजिंग, वही सेम चीज़ है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, क्या मैंने ओपन किया एंड उसको साइड में रख देते हैं। वही सेम ईयरबड्स एक्स्ट्रा, चार्जर की थोड़ी सी क्वालिटी इनकी अच्छी हो गई है। नॉइस की जो चार्जर थे वो लास्ट टाइम वाले से ज़्यादा बेटर वाली क्वालिटी मुझे लग रही है ये जैसे फील करने पे। एंड और एक चीज़ मैं थोड़ी डिफरेंस देख रहा हूँ इसके अंदर, सो ये डिफरेंस कुछ पता नहीं क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है, रुको मैं इसको ज़रा क्लोजली देखता हूँ क्या डिफरेंस है इसके अंदर। एंड और एक चीज़, यही उनका लो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, सेम वही ये वो चीज़ है, सेम मैग्नेट जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मैग्नेट जो है ये अच्छा खासा मैग्नेट है। एंड थोड़ा डिफरेंस मुझे ये चीज़ का लग रहा है कि कलर डार्क हो गया है इसका, सिर्फ थोड़ा सा लाइट था वो कलर, बट ये कलर डार्क हो गया है ना, आप सेम चीज़ देख सकते हो, ये वही एक्सटेंडेबल है। एंड पहनने में ये जो मैग्नेट मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिया है ये लोग ने, इसको हम लोग बूट अप करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो मिला है मुझे। सो ये मेरा थर्ड हेडफोन है नॉइस के पास से, फर्स्ट वाला लिया था उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ गया था, मैंने अमेजोन से रिप्लेस कर दिया, वो वाला जो चला वो 2.5 महीने चला, 2.5 महीने के बाद ख़राब हो गया। अब ये मेरे पास थर्ड हेडफोन्स आए हुए हैं नॉइस की तरफ से। तो नॉइस को मुझे ये बोलना है कि देखिए आपका प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली है, बट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो। 1 साल की आप लोग वारंटी देते हो, मैं तो रिप्लेस करा लिया, और लोग रिप्लेस नहीं करा पाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा प्रोसेस, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। नॉइस को भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्लीज़ नॉइस आप लोग थोड़ा प्रोडक्ट ड्यूरेबल बनाइए। सो इसको बूटअप करते हैं, फ़ोन यहाँ है, इसको मैंने ईयरफोन्स यहाँ पे डाला, तो पावर ऑन मुझे दोनों तरफ से बराबर सुनाई दिया है, क्योंकि लास्ट वाला मेरा लेफ्ट, ये वाला ख़राब हो गया था। एंड कनेक्ट भी सेम प्रोसेस है, ब्लूटूथ में जाइए, आपको ब्लूटूथ में जैसे जाओगे ऑन करिए, वहाँ पर आपको कनेक्टेड, वहाँ पे आपको ट्यून एलिट आपके सर्च लिस्ट में दिखेगा, उसको क्लिक कर दिए डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। गाने प्ले करके चेक करते हैं कि दोनों साइड मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई MEVA का गाना लगाता हूँ, थोड़ा रिफ्लेक्टिव है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, फुल है, तो मैंने जस्ट मचाएंगे सुना MEVA का, मुझे बेस भी प्रॉपर आ रहा है, वॉल्यूम भी दोनों कानों से आ रहे हैं, मतलब जो नॉइस ने मुझे रिप्लेसमेंट भेजा है वो सही है, काम कर रहा है अच्छे से। तो नॉइस आप लोग ने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, बट प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके कस्टमर सर्विस में आपका फ़ोन जो कॉल सेंटर है वो बहुत अच्छा काम करता है, बट आपका जो ईमेल वाला है वो लैग करता है, बहुत डिले रिप्लाई, स्टैंडर्ड रिप्लाईज देता है लोग, मतलब मैं परेशान हो गया था कि मेरा पैकेज कहाँ पे गया। प्लीज़ दोनों कस्टमर जो आपका कॉन्टैक्ट सेंटर है उसको तो आपने अच्छा करके ही रखा हुआ है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव था उसने बहुत अच्छे से बात की मेरे से, बट आपका जो ईमेल वाला था वो ईमेल से मुझे रोज स्टैंडर्ड रिप्लाई आते थे, कुछ लोग थे जो मुझे स्टैंडर्ड रिप्लाई भेजते थे उनका ही मैं नाम दिखता था, वो अभी भी हमेशा मुझे यही बोलते थे वेयर हाउस में है, बट उसको 8 दिन से वो वेयर हाउस में था, वो टेस्टिंग के लिए गया था, सब कुछ हो गया था, 7 दिन लगते हैं अमेजोन के ऑर्डर को टेस्ट करने में और समझने में कि खराब है कि नहीं है। एंड देन उसके बाद आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, वो भी रिप्लाई मुझे स्टैंडर्ड ही आया था उस दिन, तब जाके मैंने सर्च करके मुझे नंबर मिला, एंड वो नंबर पे मैंने कॉल करके मेरा पूरा जो ऑर्डर था, जो भी रिप्लेसमेंट के बारे में था, वो सारी चीज़ मैंने फ़ोन पे ही किया है। तो आपका फ़ोन का जो एजेंट है वो बहुत अच्छा काम करता है। नॉइस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, बट आपका कस्टमर सर्विस थोड़ा अच्छा कर दीजिए आप लोग, फ़ोन पे बहुत अच्छा है बट आपका ईमेल जो सर्विस है, जो आपने ईमेल जो दिया हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो नॉइज़ आप लोग से यही विनती है कि प्लीज़ आप लोग अपना कस्टमर सर्विस जो ईमेल वाला है वो सही कर दीजिए, फ़ोन वाला एकदम सही है। देखिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये जो बजट फ्रेंडली है, ये मैग्नेट विगनेट जो भी दिया, ये पोर्टेबिलिटी में भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आपको प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी पे भी काम करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ गाइज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे बहुत ही कम बचे हैं 1K सब्सक्राइबर्स पे, जैसे जल्दी से जल्दी इसको लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।